हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आप कृषि दर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़े और वीडियो शेयर कर और भी साथियों को जोड़े। आज तारीख 9 दिसंबर 2023 वार शनिवार, तो देर रात वाजदा की रिपोर्ट आई। वाजदा की रिपोर्ट स्लाइटली नेगेटिव साइड में रही। खास तौर पर मैं ऑयल एंड सीड कॉम्प्लेक्स को देखूं तो उसमें एक ही चीज सकारात्मक थी कि जो जो लोअर स्टॉक है वो स्टॉक जो प्रोडक्शन है उसको लोअर है, पर एंडिंग स्टॉक हायर होने की वजह से स्टेबिलिटी ही रही। और बड़ा जो चेंजमेंट है वो कॉटन सीड में होता हुआ नजर आया। बाकी जितने भी ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स है सभी में मतलब नेगेटिव साइड में ही उस रिपोर्ट को रखा गया है। पर भारतीय बाजारों पर असर कुछ इस हिसाब से हुआ कि आप कह सकते हो भारतीय बाजार थोड़े से स्लाइटली पॉजिटिव रहते हुए नजर आए, स्टेबल रहे, पॉजिटिव साइड में ही रहे, कोई नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर नहीं आया। देर रात सिबो टूटकर 50 के लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया। आवक वही 4 लाख बैग के आसपास है, कंटिन्यू 3.50, 4, 3.50, 4, 3, 4 से ऊपर नहीं जा रही है। 4 आप मान को 4 के आसपास आवके आ रही है और सोमवार को आवके बढ़ के 4.5 के आसपास जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में लाहिया वगैरह आने की खबरें चल रही है और जिस हिसाब से मार्केट में फूल झड़ी हुई सरसों की फोटो चल रही है वो एक अलग ही साइकोलॉजिकल प्रेशर व्यापार पर मनाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर भाव की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 5850 रुपये प्रति क्विंटल, भरतपुर 5565 रुपये प्रति क्विंटल, खैरतल 5460 रुपये प्रति क्विंटल, खेरली 5565 रुपये प्रति क्विंटल, भरतपुर अलवर 5650 रुपये प्रति क्विंटल, बहरोड 5650 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। टोंक जहां तक बात है तो टोंक 5800, निवई 5825 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। दूसरी ओर हम बात करें सुमेरपुर जोधपुर की, तो सुमेरपुर जोधपुर 5500 रुपये तक बिकती हुई नजर आई। कोटा 12 5550 रुपये के बाजार रहे। मील डिलीवरी के सौदे सुमेरपुर जोधपुर गंगानगर हनुमानगढ़ में लैब 5550 रुपये पर होते हुए नजर आए। किसानी माल लैब प्लस 1250, 1260 और 1270 तक भी कहीं कहीं बिकता हुआ नजर आया। ऊपर में 1270 तक बिका है, नीचे में 1000 तक किसानी माल लैब प्लस तक बिकता हुआ नजर आया श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिलों में। दूसरी ओर हरियाणा का रुख करते, हरियाणा में जहां तक सवाल है दादरी वही 5450, भिवानी 5380, रेवाड़ी 5450 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं, दिल्ली 5450 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार रहे। दूसरी ओर हम उत्तर प्रदेश का रुख करें तो अलीगढ़ 5150, झांसी 5100 रुपए, मथुरा की जहां तक बात है मथुरा 5350 रुपए के बाजार रहे हैं, जगनेर मंडी 5750 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। यदि अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में भिंड मंडी जहां तक है 5400 रुपए, ग्वालियर 5400 रुपए, मुरैना 5350 रुपए, अशोकनगर 5375 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए, नीमच मंडी 5425 रुपए, मंदसौर मंडी 5400 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। तो ये स्थिति देखने को मिली। प्लांटों के भाव में गोयलकोटा के भाव 5750 रुपए 50 रुपए तेज रही है और सलोनी कोटा 6300 रुपए, सलोनी अलवर 6325 रुपए, सलोनी आगरा 6375 रुपए पर बिकती हुई नजर आई है। तो ये स्थिति आज के दिन सरसों के बाजारों में देखने को मिली है।